रहा था आप लोग जो है वापस जा रहे हैं। नहीं जी, वापस रहे हैं। लोग आप देख रहे हैं किस तरह से डिवाइडर पर भी खड़े होके भाषण सुन रहे हैं। हम कि आप देख सकते हैं वो बेकार जवानी रहेगी ना अगर वो आके यहाँ पे दिखाएगी नहीं कि ये देश हमारा है। और हम जब हटेंगे जब ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं मोदी जी, हम दूसरे तीसरे जिला से आए हैं आपके पास, तो आप थोड़ों से टाइम नहीं खर्च कर सकते हो? ये सरकार तो वही कह रही है, बीजेपी जी खड़े हैं, ये तो आतंकवादी है, किसान आतंकवादी कह रहा है। और यहाँ से दिल्ली तक पैदल आ गए? पैदल आ गए। ठीक है जी, एक एक चीज बता दीजिए, कब तक चलेगा आंदोलन? कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना कैमरा घुमा के यहाँ पे राकेश जी के अंदर समर्थन देने के लिए आए हैं। जी बताइए। आज आगे ना हरियाणा रे क्या ढूंढा गरीब निहाल लगे मारो। शांति के लिए दोनों हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, हम शांति के पुजारी हैं। हमारे ये बॉर्डर न खाली होंगे जब तक भारत सरकार हमारे से बात नहीं करेगी। आप शांति रहते अगर ये कल कामयाब हो जाती सरकार, कल ये अगर कामयाब हो जाती तो इस जो किसान का झंडा है, किसान के झंडे से भी लोग नफरत करते, भी नफरत फैला देते। हम किसान है, किसान ये लड़ाई किसान की है, किसी मजहब की नहीं। फसलों के फैसलों हम ही किसान है, हम ही किसान है। किसान कैमरा और कलम से बंदूक का पहरा है, ये जितना दिखा रहे बहुत है। आप हमारा किसान का नाम लो, तब जाके कल शाम को हमारे घर से महाराष्ट्र से हमको फोन आया। आंदोलन स्थल के मेन प्रांगण के सामने आप देख रहे हैं खासी भीड़ नजर आ रही है। जिस तरह की खबरें आई थी कि जगह खाली हो रही है, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ लोग और इकट्ठा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। ये मंच है जो मुख्य पंडाल है, उसका मंच है जहाँ से किसान नेता जनता को संबोधित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है। अरे यार क्या हुआ गौरव जी के बारे में कुछ हुआ क्या?